Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 3. How are you? I hope you will be fine. I pray to Allah Ta'ala may protect us all. Today we do our science work. Okay, class 3, now open your science book. Unit number 8, force, work and energy. Aapne previous lecture mein 8.1, force and motion. 8.2, force and work ke baare mein padha tha ki jab kisi bhi object par force lagai jati hai, to usme koi na koi motion yani movement paida hoti hai, jisse ki hamara work bhi complete hota hai. Now turn your page. On page number 57, there is topic is 8.3, work and energy. Aapne page number 57, 58 and 59 ki reading karni hai khud se. और आपको मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जो इस रीडिंग में आएंगे. टॉपिक है आपका 8.3, वर्क एंड एनर्जी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी क्या होती है. एनर्जी कहते हैं किसी भी कुव्वत को, ताकत को. एनर्जी कैसे ऐसी एबिलिटी या सलाहियत है जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो यूज़ होती है. यानी एनर्जी की मदद से ही हम किसी काम को करते हैं. एनर्जी के अब डिफरेंट टाइप्स आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जो केमिकल्स की फॉर्म में किसी भी चीज़ में स्टोर होती है. जैसे कि आपकी मैच होती है, जब आप मैच स्टिक को जलाते हो, बर्न करते हो, तो इसमें जो केमिकल स्टोर हुए हुए होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं. किस फॉर्म में? हीट एनर्जी की फॉर्म में एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में. ओके, योर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल का मीनिंग होता है बिजली. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, घर में डिफरेंट चीज़ें आपकी होती हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी से आपकी चलती हैं, जैसे कि लाइट, आपका फ़ैन, जिसे कि आप जब ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और उस चीज़ में मोशन, मूवमेंट पैदा होती है. लाइट आपको मिलती है, कोई भी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. योर नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी. ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी से ये वर्ड निकला है, जिसका मीनिंग होता है कशिश, कुव्वत कशिश. यानी कि जो चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे ज़मीन की तरफ भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन की तरफ आती है. इसी तरह से ऐसी चीज़ें जो कि ऊपर ऊंचाई पर होती हैं, हाइट पर, जब वो नीचे फॉल करती हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है. जैसे कि डैम में जो पानी होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है तो इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. योर नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. जैसे हम कोई चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी, कोयला, इसी तरह से गैस या ऑयल, इन चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हीट एनर्जी कहते हैं या थर्मल एनर्जी. जैसे कि आप गैस ऑन करते हो और कुछ ना कुछ पकाते हो, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो आपका खाना बनता है. नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें आप एनर्जी की टू फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी चीज़ में स्टोर होती है, जो यूज़ नहीं होती. जैसे कि आपने कार में पेट्रोल डलवाया, जो यूज़ नहीं हुआ, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और जब आप कार को ऑन करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो जाती है जब आप कार को ऑन करके चलाते हैं. ओके, आपने इन पेजेस की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग राइट करने हैं. कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ. केमिकल एनर्जी, कीमियाई ताकत. ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश. पोटेंशियल एनर्जी, तवानाई की ताकत. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बर्की ताकत. थर्मल एनर्जी, हरारती ताकत. काइनेटिक एनर्जी, हरकत की कुव्वत. नाउ ओपन योर साइंस बुक नोटबुक एंड रेडी योर नोटबुक. ड्रॉ मार्जिन लाइन, मेंशन योर डेट, क्लास वर्क एंड डे. यूनिट नंबर 8, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. मैंने आपकी वर्किंग पेन से की है ताकि आपको वर्ड्स क्लियरली दिखाई दें. आपने पेंसिल से राइट करनी है. आंसर द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन बाय वर्क. वर्क का मतलब क्या होता है? आंसर इज वर्क इज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स डैट ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, चीज़ पर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव भी होता है, देन हमने उस पर क्या किया है? वर्क. इसका मतलब होता है वर्क. आपने इस क्वेश्चन को और अपने मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है. बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकना नहीं. अल्लाह हाफिज़.